10 की स्टूडेंट अनन्या ने इंटरनेशनल कॉलेज एडमिशन पर क्यों झूठ बोला। अनन्या के स्कूलमेट्स ने चंकी की बेटी के फ्रॉड का राज खोला। सुनो सुनो सुनो, गॉसिप क्वीन मिस टिंचर के हाथ लगी है करण के नए बैच के स्टूडेंट अनन्या के झूठ की वो शॉकिंग खबर जिसे सुनकर फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को भी आ जाएगा चक्कर। एक्चुअली अनन्या ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के प्रमोशंस के दौरान बताया था कि कैसे इस फिल्म का ऑफर मिलने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े कॉलेज का एडमिशन छोड़ दिया था। स्टडी में ब्रिलियंट स्टूडेंट ने रियल कॉलेज छोड़कर करण सर के फिल्मी कॉलेज को चुन लिया था। आई थिंक मेरा ड्रीम रहा है लाइफ में यही करना, तो मेरे लिए वर्थ इट था और इससे बेटर कॉलेज क्या हो सकती है। और ऐसा कोई कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, पर आई थिंक ड्रीम्स में एग्जिस्ट करता है, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मगर अनन्या के इस दावे में आ गया है एक बड़ा झोल। मिस्टर जौहर के स्टूडेंट के बैचमेट्स ने ही खोल दी है चंकी की लाडली की पोल। अनन्या के बैचमेट्स ने गॉसिप क्वीन को रिसेंटली बताया है कि अनन्या का किसी इंटरनेशनल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक्चुअली मिस पांडे ने तो अपने स्कूल के मॉक सैट्स को भी ज्वाइन नहीं किया था। आवर स्कूल हैज अ सेट ऑफ काउंसलर्स एंड वी ऑल नो वेयर एवरीवन इज अप्लाइंग एंड गोइंग। अनन्या डिडंट इवन गेट असाइंड अ काउंसलर बिकॉज शी ऑलवेज सेड शी वांटेड टू एक्ट और टेक अ गैप ईयर। All of a sudden in March when USC released its decisions, she started saying she got accepted. But she didn't even apply because our school conducts mock SATs which she never took. Everyone asked her to show her acceptance letter but she kept saying it is lost. Miss Pandey ke schoolmates ka dawa hai ki Ananya ne international schools mein admission ke liye apply hi nahi kiya tha kyunki Miss Pandey ka films mein acting karne ka decision pakka tha. To fir Karan sir ki student ne Los Angeles University ko chhodne ki khabar kyun phailai? Is par Ananya ne bhi de di apni safai. Once a while is out, people start making up stuff. I have no idea who this person is. यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस दावे को फर्जी बता रही हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ऑफर पर उठी उंगली को दूसरी ओर घुमा रही हैं। अब एक बार फिर से करण सर के अनन्या के इंटरनेशनल स्कूल वाले दावे ने उन्हें निशाने पर ला दिया है। तो क्या वाकई में चंकी की बेटी ने ब्रिलियंट बनने के चक्कर में कोई गोलमाल किया है?